नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। खरौंधी से नवलेश पासवान की रिपोर्ट। खरौंधी थाना अंतर्गत पंचायत कूपा टोला दामर में 18 वर्षीय युवती की कुएं में डूबने से हुई मौत। बताते चलें कि कूपा पंचायत के स्वर्गीय नागेंद्र विश्वकर्मा की 18 वर्षीय पुत्री आज सुबह करीब 6:30 बजे कुएं से पानी लेने के क्रम में कुएं में जा गिरी। लोगों की जानकारी होने पर उसे आनन फानन में बाहर निकाला गया, तब तक उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद पूरा गांव गमगीन हो गया। मृतक के घर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तत्पश्चात प्रशासन को सूचना दी गई। कुछ ही देर पर खरौंधी थाना पहुंची और मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कानूनी प्रक्रिया के अनुसार शव को पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेज दिया। साथ ही मौके पर उपस्थित उप प्रमुख गोरखनाथ चौधरी ने दुख प्रकट किया। ये घटना कैसे घटी है? ये घटना सुबह करीब 6 बजे के आसपास, हमने अपने घर के पास था तब तक शोरगुल सुनाई दिया। स्थल पर हमने पहुंचा तो बच्ची कुआं में गिरी हुई थी, लाश के पता नहीं लग रहा था। उस क्रम में हम लोग लाश निकालने के लिए कुआं के अंदर घुसे और बताया जाता है, यहाँ घर के परिजन लोगों के कहने हैं कि यहाँ जो है कि पानी खींचने के क्रम में वो लड़की का हादसा हुआ। ये घटना कितने बजे की है? ये घटना लमसम सुबह 6 बजे की है। मृतक का नाम? मृतक का नाम प्रतिमा कुमारी। सर, कूपा पंचायत में जो ये घटना घटी है, किस कारण से हुई है? घटना की सूचना हमें मिली, इसके बाद हम तत्काल घटनास्थल पहुंचे। तब से यहाँ देखे कि ऊपर देखे तो बच्ची को जो है निकाल कर सुलाया गया था। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया, गांव के लोग, कि लड़की जो है पानी भरने के क्रम में लकड़ी टूट गया था, इसमें गिर गई और गिरने से उसको मृत्यु हुई है। लेकिन हम तो आश्वस्त हैं इस बात के कि जब चपाकल बगल में था और माननीय विधायक भानु प्रताप शाही के द्वारा ही धसाया गया था, लेकिन चापाकल किस कारण नहीं पानी गया उसका हम परिजन से पूछे, उसके माँ से पूछे, जो मृतक की माँ है उसे पूछे, लोगों ने बुलाया कि उस चापाकल पर हमको रोक लगाया गया था। इस पर हम काफ़ी दुख प्रकट करते हैं। और यह क्या चीज़ है, चापाकल पानी कहीं रोका नहीं जाता है, और क्यों रोका गया इसका जांच का विषय है। प्रशासन जाँच करेगी और हम माननीय विधायक से भी आग्रह करेंगे कि जितने भी चापाकल दसाए हैं, कहाँ कहाँ दसाए हैं, कृपया सूची उसका लिस्ट टांग दे, जिसे अपना योजना का टांगे हैं टांग देगी, कहाँ कहाँ टांगे और कहाँ दसाना चाहिए था हमको और कहाँ पास हुआ है। यह चीज़ लड़ाने का काम इन्होंने किया है। जब सैनिक स्तर पर चपाकल है तो कोई रोकता नहीं, लेकिन भानु प्रताप शाही केवल लड़ाने का काम किया है। आज जो आप देख रहे हैं कि एक बच्ची का जान चल गई, जो एक घर में इसके फादर नहीं थे, एक लौता लड़की कमाने वाली थी, अपनी माँ को कमा के ही खिला रही थी, लेकिन आज इसका पूरा घर बर्बाद हो गया। मैं काफ़ी विरोध करता हूँ कि ऐसे जो आप चपाकल किए हैं, धसा के लड़ाई लगवाने का काम किया है, अभी भी बाज आए, नहीं तो जनता आने वाले चुनाव में इसको तरह कैसे जवाब देगी, जो आप लड़ाने का काम किए हैं। गोरखनाथ चौधरी, धन्यवाद।